ज्यादा समय टिकना चाहिए या कितने मिनट टिकना चाहिए, ऐसा सवाल बार बार लोग हम करते रहते हैं। बेडरूम का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, बेडरूम में टिकना चाहिए, या अपने लाइफ पार्टनर को समाधान देना चाहिए, उसका संतोष होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ऐसा हर एक को लगता है, और उसके साथ साथ अपना खुद का भी होना चाहिए ऐसा लगता है। नेचुरली ये सवाल बार बार आते रहता है, और करीब करीब 30-40% लोग जनरल पॉपुलेशन में, पुरुष जो है और जो 15-60 साल के बीच में है, इनमें से करीब करीब 30-40% लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन या जल्दी गिरने का प्रॉब्लम है। और जो मेरे पास में आते हैं, 10 में से 9 लोग यही बोलते हैं कि हमको जल्दी गिर जाता है और उसमें समाधान नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या होता है कि लोग जैसा कोई रेस में भाग ले रहे हैं, इस तरह का परफॉर्मेंस बेडरूम में देते हैं। बेडरूम में कोई रेस नहीं है, कोई आपको प्रूव करना नहीं है, कोई आपको जल्दी जल्दी में करना नहीं है। ऐसा यदि जल्दी में कर रहे हैं, कोई प्रूफ पर निकले जा रहे हैं, कोई पौरुषत्व सिद्ध करने का है, या टाइम नहीं है, कोई देख लेगा आएगा, तो ऐसे इसमें बिल्कुल सेक्स नहीं करना चाहिए। और बहुत दिन के गैप के बाद में भी आप जाते हैं सेक्स करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस मार्क आएगा, जल्दी हो जाएगा। तो कोई रेस में हिस्सा लेना है या बहुत जल्दी निपटाना है करके निपट लो फटाफट, ऐसा करना है नंबर एक। नंबर दो, टाइम की तरफ ख्याल मत दो कि मेरा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम मेरा चलने वाला है, उधर ख्याल मत दो। यदि टाइम का आपको बंधन होगा कि जल्दी निपटाना है या कोई आएगा या ऐसा कुछ, तो करो मत। नंबर तीन, सेक्स में पूरा फोर प्ले, इंटरकोर्स और आफ्टर प्ले, ये तीनों भी होना चाहिए। यूजुअली 13 मिनट से लेके 30 मिनट तक लोगों का परफॉर्मेंस होता है, और इसमें पूरा है फोर प्ले, इंटरकोर्स, आफ्टर प्ले या आउट प्ले। इंटरकोर्स जो है मतलब लिंगा योनि में प्रवेश होने के बाद में जो टाइम गिना जाता है वो नॉर्मली 5 मिनट 40 सेकंड है एवरेज, अलग अलग स्टडीज में। तो वह 5 मिनट 40 सेकंड, इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं फोर प्ले में, फिर 5 मिनट 40 सेकंड अप्रॉक्सीमेट है, ये कोई ऐसा घड़ी लगा के करने का नहीं है। और आउट प्ले में भी आप 5-7 मिनट 10 मिनट कर रहे हैं, तो टोटली ये करेंगे तो 30 मिनट का ये कार्यक्रम पूरा है। ये टाइम बढ़ाने का है तो डेफिनेटली आपको क्लाइट्रल स्टिमुलेशन करना है, फोर प्ले करना है, और आप लोकल स्प्रे लगा सकते हैं, लोकल स्प्रे लगा के फ़ायदा हो सकता है। लोकल स्प्रे देते हैं तो सुनपना आ जाता है, सुनपना आएगा तो जल्दी गिरेगा नहीं। कुछ टैबलेट्स है जैसे SSRI है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स टैबलेट्स है, वो टैबलेट्स का सेवन आप कर सकते हैं जिससे कि जल्दी गिरेगा नहीं। या आप एनेस्थेटाइज कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जल्दी गिरेगा नहीं, या थिक कंडोम रहते हैं उससे भी सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है और जल्दी गिरेगा नहीं। तो ये सब आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा और सेक्स में आनंद आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।